नमस्कार। अभी हम ड्रिप इरिगेशन को किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे वो पूछेंगे उमित सिंह बिसला से। तो आप बताइए ये मशीन क्या करता है? ये मशीन है ड्रिप की, जो नाड़ी है ना, ये नीडल है, इनको बिछाने की और समझ नहीं होती है। जैसे ये यहाँ खड़ी करी और इस पर बंडल, जैसे ये हो गया, इस पर बंडल चढ़ा दिया पूरा। बंडल चढ़ाने के बाद ये खींच दिया, खींचने के बाद में ये घुमाने शुरू कर दी और ये नीडल अपने आप ही बिछ जाएंगी। और सामटने के टाइम पर ऐसे वापस घुमाई और इसको फुल हो गए, इसके ऊपर फुल होने के बाद में इसको ऐसे कर दिया, बंडल तार दिया, तीन नीडल के अंदर एक बंडल बन जाता है, अगले में तीन में एक बन गया, इस साइड के तीन बन गया। कोई मेहनत और काम काफी कम हो जाता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। एक किसान मतलब इसको 2 एकड़ की ड्रिप एक दिन के अंदर बिल्कुल वो कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और ये मशीन भी काफी हल्की फुल्की है, कहीं पे भी इसको कोई ले जाया जा सकता है। इसके अंदर 20 से 25 किलो वजन है। ओके। तो आपने एक साथ में तीन तीन फसलें ले रहे हैं, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। ये बागवानी है और ये देखो बहुत ही, ये देखो बढ़िया, एक नौ वैरायटी है। और इसके अंदर किसान एक वर्ष के अंदर 3 से 4 ले सकता है। दूसरे फरवरी के महीने में तरबूज लगाते हैं, तरबूजों की पैदा, जिसके बाद में नरमा लगा देते हैं और जिसके बाद में कुछ किन्नू की पैदा हो जाती है और किन्नू की बेल वाली भी सब्जी लगा रखे। हम मतलब बाजार से कोई भी सब्जी नहीं लाते, हम देसी खाते हैं, देसी पहनते हैं और देसी खाना खाते हैं सारा। तो आप एक साथ में तीन फसलें ले रहे हैं, आप ऊपर देखेंगे बागवानी के किन्नू है, आप इसमें मिक्स भी कर सकते हैं बागवानी को तो और ज्यादा अच्छी रहती है। नीचे नरमा कपास है और इसके साथ में बेल वाली सब्जियां भी लगाई हुई हैं, कहीं कहीं आपको दूसरी चीजें मिल जाएंगी। आगे आके देखिए भिंडी वगैरह भी यहाँ पे है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है खेती करने का, ये इसको बोलते हैं मतीरी, ये तरबूज का छोटा रूप है और ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है और ये टोटल ऑर्गेनिक चीज़ है। तो आप इसको खाएंगे तो तरबूज खाना या बाकी कुछ चीज़ें भूल जाएंगे। इसके साथ में आप देखेंगे कि जो बेड हैं किन्नू के वो रेज्ड हैं ऊपर की तरफ हैं, इससे इसमें केवल नमी बनी रहेगी, पानी खड़ा नहीं होगा तो फंगस इसमें नहीं आएगी। तो अभी आगे हम देखते हैं, तो ये हमने कुछ मतीरी की बेलें लगाई हुई थी, ये मतीरी की बेलें हैं यहाँ पे, तो इसके साथ में मतीरी का भी फसल लिया जा सकता है, आप घर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या मार्केट भी इनको कर सकते हैं, मार्केट में डिमांड इनकी काफ़ी हाई है। तो ये देखो कोई भी इनके अंदर कभी नहीं है, किसी दिक्कत नहीं है। तो आप इसमें कोई स्प्रे वगैरह भी नहीं करते हैं? नहीं, अभी तक हम स्प्रे नहीं करते, कैसे हम खाली करेंगे, कम हो जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन स्प्रे नहीं करेंगे, बहुत ही कम। तो टोटल ऑर्गेनिक किन्नू है, इसमें खाद और स्प्रे भी और नहीं डाला गया है कोई अलग। इसी खेत ये देखो ये नरमे, ये देखो कितने हैं सब, बहुत ही, ये बिल्कुल टिब्बा का एरिया है किस्म से, बिल्कुल ही इसके अंदर। तो ये रेतीली जमीन है बिल्कुल और टीले वाला एरिया है, उसके बावजूद आप देखिए इसमें न तो ह्यूमस की कमी है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस यहाँ पे बहुत हाई है, तीन तीन फसलें एक एक साथ में लिया जा रहा है और ड्रिप इरिगेशन का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से फसल ऑर्गेनिक भी है, केमिकल का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती और आप तीन फसलें एक साथ में ले सकते हैं। अगर इसमें भिंडी लगाना हो तो एक लाइन वो भी लगाई जा सकती है, बरसात होने के बाद में कचरी और मतीरा और लोहिया इस तरीके की, या ये आप देखेंगे कि जो ये करेले हैं, करेले का जो बीज है वो भी यहाँ पे जो शुगर के लिए बिल्कुल ही होते हैं, ये वाला वो करेला है जो शुगर के मरीजों के लिए एक बहुत गजब की मेडिसिन होता है। तो आप इस तरीके से मल्टी क्रॉपिंग या मल्टी फार्मिंग एक साथ में कर सकते हैं, उसका सबसे अच्छा फायदा ये है कि किसान एक ही खेत में 4 गुना फसल ले सकता है और मेहनत भी कोई बहुत ज्यादा। 5 एकड़ किसान के अंदर जमीन तो उसकी 20 एकड़ बन जाती है, 20 एकड़ वो 20 एकड़ ले सकता है किसान।
और आगे कर रहे हैं। जैसे ही सरकार भी बहुत ही देरी है, आगे प्रोसेस देगी और भी देगी सिस्टम देने, जिसके बाद में किसान कम से कम एकड़ में ज्यादा पैदा देंगे और हमारा माल बाहर एक्सपोर्ट होगा तो किसानों को दिक्कत नहीं। जैसे 2020 के अंदर नरेंद्र मोदी करें किसानों को दोगुनी तो वैसे ही हो जाएगी। किसानों को लग रहा है कि जो फसलों के दाम है वो और बढ़ने चाहिए? बिल्कुल बढ़ेंगे, जैसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर कर रहे हैं विदेशों के अंदर एक्सपोर्ट कर, जिससे किसान के आए दोगुनी तो वैसे हो जाए 2000। और किसान स्कीम निकाल रहे की किसानों को हम 5 लाख तक बगैर ब्याज देंगे, बगैर ब्याज किसान को मतलब 5 लाख रुपए मिल जाते हैं। किसान कार्ड से अलग धंधा कर लेके, जैसे डेयरी फार्म हो गया, मुर्गी फार्म हो गया और धंधा करने के हो जाए, किसान तो वैसे अपने आप ऊंचा हो जाएगा। बिल्कुल, तो आप डेयरी फार्म भी कर रहे हैं तो उसके गोबर का और मलमूत्र का जो पशुओं का है उसका क्या इस्तेमाल करते हैं? वो हम एक वो बड़ा गड्ढा बना रखे है, गड्ढे के अंदर डाल देते हैं, डालने के बाद में कुछ ऊपर पानी डाल देते हैं, पानी डालने के बाद में कुछ उससे कुछ दिन बाद में वो तैयार हो जाता है, पूरी अच्छी खाद बन जाती है। वो हम यहाँ लाके देते हैं, फिर हमें पौधे के मतलब एक एक 200-200 ग्राम पौधों के मतलब जड़ के अंदर डाल देते हैं। थोड़ी मेहनत ज्यादा होती है किसान, आगे एक ट्राली है, एक ट्राली कम से कम बीज एक कट अंदर बिल्कुल आराम से वैसे 10 ट्राली हो जाते हैं। और हम इसके कम खाद में इसके अंदर हम बिल्कुल ही वो नहीं करेंगे, इसको स्प्रे नहीं करेंगे घास वाले के, इसको घास को अंदर ही जमीन में दबाएंगे। ये भी वही सिस्टम है, ये टिब्बे की जमीन है, ये देखो आप, ये भी देखो कितने, ये देखो आप कितना जा रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ही वो है, बिल्कुल थोथा है, बिल्कुल ये देखो इसमें कोई वो नहीं है। जो टिब्बे का खेत है, मतीरी का बेल है, ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है वो मतीरी होता क्या है। मतीरी एक शरीर के अंदर जैसे बीमारी होती है पेट के अंदर, लीवर की, किडनी की, उससे सुबह सुबह एक मतीरी खाने से मतलब जो दवाई होती है उससे बहुत लीवर को अंदर बिल्कुल सेट करता है। मतीरी तो ऐसी चीज है सुबह ठंडा कर देता है, पूरा बिल्कुल ठंडा करता है लीवर, लीवर की बीमारी से मतीरी खत्म हो जाती है। बिल्कुल, तो ये सुपर ऑर्गेनिक क्रॉप है, अगर आप मतीरी खाते हैं रेगुलर बेसिस पे तो आपको बहुत सारी बीमारियां नहीं होती हैं और शरीर में जितने भी केमिकल हैं वो फ्लश आउट हो जाते हैं। तो आपकी फसलें देख के, ड्रिप इरिगेशन देख के, आप पानी को लेकर इतने सारे आप कॉन्शियस हैं और बाकी तमाम सारी चीज़ों के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा। आपका खेत देखने के लिए, दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।